सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई। सो गाइस सबसे पहले कमेंट करके आप सभी लोग मेरे को अपनी रैंकिंग बताओ, आप सभी लोग की रैंकिंग क्या चल रही है। एंड गाइस सर आज की इस वीडियो के अंदर दो गेम प्ले होने वाले और दोनों ही गेम प्ले के अंदर चिकन होने वाला और बहुत ओपी होने वाला है। तो देखो यार इस गेम के अंदर एक हैकर था और इस गेम के अंदर हम किस तरह से चिकन निकालते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, हम सोच रहे थे जब एक मिनट रह जाएगी तब आराम से जोन के अंदर जाएंगे, पर लेकिन जो टीममेट था वो सामने की तरफ कुछ बंदों को नॉक कर देता है और फिर यहाँ पर हम इन बंदों के ऊपर पुश कर देते हैं। तो गाइस सर इस वीडियो के अंदर आपको फुल किल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कुछ बंदे थे और इनको फिनिश कर देते हैं। और ये जो बंदा था ना लास्ट वाले, इसने काफ़ी अच्छी कोशिश करी थी हमको यहाँ पर मारने की। अगर ये बंदा टीममेट को गाड़ी से निकाल देता तो यहाँ पर अच्छी खासी फाइट हो सकती थी इसकी और मेरे बीच में। तो गाइस कोई बात नहीं, उसके बाद सीधा हम वहाँ से जोन के लिए निकल जाते और मेरे को पता था ये छोटे वाले घर पर आना है, तो यहाँ पर हम होल्ड कर रहे थे। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को बोला भाई मेरी जो बग्गी है उसको पीछे की तरफ लगा दो। एंड गाइस सर अब आपको पता लग जाएगा कि इस गेम के अंदर हैकर कौन है। पीछे में ना कहाँ से पढ़ रहा है बे, बहुत ज्यादा गलत पढ़ रहा हैकर। मार्क द लोकेशन। तो गाइस सर आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे को M4 का इतना ज़्यादा एक्यूरेट स्प्रे आता है, मतलब सारी गोली मेरे को लगती हैं और मेरे यहाँ पर हेलमेट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता, मतलब क्या बोलूँ यार अभी। सो गाइस सर देखो यहाँ पर जो मेरा टीममेट था वो तो बच गया था, पता नहीं कैसे वो मेरे को बोला था भाई मेरा ग्लिच हो रहा है, पिंग हाई है, तो शायद से मुझे नहीं लगता कि पिंग से ऐसा बचते भी हैं, पर लेकिन क्या पता भाई टीममेट की किस्मत थी तो वो यहाँ पर बच जाता है। फिर उसके बाद गाइस सर देखो सामने वाले जो बंदे थे ना इनका इतना तो कन्फर्म था कि जो हैकर लोग रहते हैं जो बंदा इनके ज़्यादा पास रहता है उसको इनकी गोलियां कनेक्ट होती है। तो मैंने क्या काम करा, टीममेट को खिड़की के पास लेटाया और मैं पीछे होकर के इनकी यहाँ पर गाड़ी को डैमेज दे देता हूँ। पर लेकिन गाइस ये जो बंदे थे यहाँ पर थोड़ी देर बाद स्मोक करके अपनी गाड़ी को कवर में लगा लेते हैं, पर इनके ऊपर से फिर जोन हट गया था और जोन स्टार्ट भी हो जाता है और अभी बस देखते रहो यहाँ पर क्या होता है। गाइस यहाँ पर मेरे को एक बंदा ओपन में स्पॉट होता है, मैं उसको काफी डैमेज भी देता हूँ, पर लेकिन अभी देखो बस यहाँ पर किल फील्ड में क्या ही तबाही मचने वाली है। लोगों को मार रहा है, उसको तो एम में था, हम लोग को भी आ रहा है, किसी और फायर कर रहा है। तो गाइस सर हम यहाँ पर किल फील्ड में देख रहे थे बंदे टपाटप मरे ही जा रहे थे, मतलब किल फील्ड आए जा रहे थे। 14 बंदे से सीधा 5 बंदे अलाइव यहाँ पर बचे थे, बट गाइस यहाँ पर हमको सिर्फ एक बंदे का इंतजार था किल फील्ड में आने का, वो था वो CCTV कुछ करके एक बंदा था। और गाइस यहाँ पर ऐसा होता भी है, वो जो लास्ट वाला बंदा जो था हैकर जो था वो यहाँ पर जोन से फिनिश हो जाता है। एंड गाइस सर अभी इस गेम के अंदर एक बात थी, अब तो इतना कन्फर्म था कि मतलब हम इजीली चिकन निकाल सकते हैं इस गेम के अंदर, क्योंकि जो हैकर है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है तो इजीली चिकन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं टीममेट को बोल रहा था कि भाई इस तरफ से बंदे आ सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना, क्योंकि इस तरफ मैंने थोड़ी देर पहले एक US देखी थी, पर तभी मेरे को सामने की तरफ ये स्मोक होता दिखता है और मेरे को सामने बुश पर एक बंदा स्पोर्टिव हो जाता है, आपको भी दिख गया होगा वहाँ पे। तो मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ उस बंदे को सपोर्ट करने के लिए और ये जो बंदे थे स्मोक करके हमारे ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मारो मारो मारो, अरे यार और मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और इस वाले बंदे के ऊपर अभी मैं नेड मोली फेंकना चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बंदे की बिजली पेटी बन जाती है मेरे नेट से। फिर उसके बाद गाइस यार देखो मैंने यहाँ पर नेट वेट ऑर्डर करे अपने टीममेट से भी काफ़ी ज़्यादा नेट लिए। लास्ट वाले एनिमी की वैसे हमको लोकेशन पता नहीं थी, पर लेकिन जब टीममेट फालतू में यहाँ पर फायर ले रहा था तभी वो बंदा यहाँ पर फायर कर देता है और यहाँ पर मैं उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा नेट फेंकता हूँ, पर लेकिन कोई भी नेट काम नहीं आता। फिर यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तू गाड़ी चला, जब वो बंदा तेरे ऊपर स्प्रे लेगा तो मैं ईजिली उस बंदे को फिनिश कर दूंगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर होता भी कुछ इसी टाइप का, ये बंदा जैसे टीममेट के ऊपर स्प्रे लेता है मैं इजीली इसकी पेटी बना देता हूँ और ये गेम के अंदर मेरा 10 किल के साथ इजी चिकन हो जाता है। और ये गेम के अंदर मेरे प्लस की बात करें तो 24 का प्लस लगता है, तो काफ़ी सही था, मज़ा आ गया था मेरे को। फिर गाइस उसके बाद ये गेम स्टार्ट कर लिया था और ये वाला गेम प्ले बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला था, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना मेरे भाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, उतरते हैं, मिनी 14 मिलती है और ये भाई मेरे को यहाँ पर मिल जाती है एक कार 98 बोले तो मोसी नेगेंट। फिर यहाँ पर मुझे काफ़ी गंदा नॉक करा मैंने और जो टीममेट था उसकी भी लेफ्ट में से कोई M4 वाला बंदा पेटी बना देता है
और यहाँ पर भाई बंदा मेरे आंखों के सामने से कूद गया, क्या ही बोलूँ। फिर M4 वाला जो बंदा था वो यहाँ पे मेरे ऊपर पुश करता है, पर लेकिन यहाँ पर मैं इसकी इजीली पेटी बना लेता हूँ। मतलब ये बंदा एक गोली भी मेरे को कनेक्ट नहीं कर पाया यहाँ पर, तो क्या ही बोलूँ। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर था तभी मेरे को साउंड आती है एक बंदे की, और मैं इस बंदे को तो इजीली फिनिश कर देता हूँ, और मेरे को एक फ्री का खेल भी मिल गया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर मेरी वहाँ पर पेटी बन गई थी, तो मेरे को यहाँ रोजोक साइड छोड़ा था, ये रोजोक हिल पता नहीं कुछ भी कह रहे हो, समझ सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद जब मैं यहाँ पर उतर रहा था तभी मेरे को नीचे की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है, और ये छत के ऊपर चढ़ रहा था, तो ये बोट तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे इसने मेरे को यहाँ पर उतरते हुए देखा ये मेरे ऊपर बहुत ही अंधा पुश करता है और फालतू में नोक हो जाता है। और जहां तक मेरे को लग रहा था शायद से इस बंदे को ऐसा लगा कि यहाँ पर बोट अभी स्पॉन हुआ है, क्योंकि कूदने की आवाज आती है जैसे बोट स्पॉन होता है। तो यहाँ पर देखो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, इसका जो टीममेट था वो मेरे ऊपर पुश कर देता है। और अगर आपको याद हो तो इनसे मेरी फाइट ऊपर भी हुई थी मिरर वर्ल्ड में। तो फिर मैं ऊपर की तरफ आता हूँ यहाँ पर एंगल बनाने के लिए, और ये बंदा ईजिली फिनिश हो जाता है। और इस गेम के अंदर अभी मेरे हो गए थे 6 फिनिशेस, और यहाँ पर थोड़ी सी लूट करता हूँ इन बंदों को और सीधा निकल जाता हूँ। और काफ़ी टाइम बाद आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे 11 किल्स हो चुके हैं, और ये सब मैंने मिरर वर्ल्ड चैंपियंस आइलैंड पर निकाले थे। फिर उसके बाद गाइस यार देखो इस गेम के अंदर हम जोन के अंदर जा रहे थे यहाँ पर, और मैंने सोचा था ये वाले कंपाउंड लेंगे। यहाँ पर मेरे को ये डांसे तो दिखती है, और थोड़ी देर मेरे को साउंड भी आ जाती है एक बंदे की, तो मैं यहाँ पर रुक भी जाता हूँ क्योंकि मेरे को एक ही बंदे की साउंड आई थी यहाँ पे। एंड गाइस बहुत ख़राब किस्मत, बेचारा भाई फ्री फायर में मर गया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद ये वाले घर पर आ गए थे हम। अरे और जब हम यहाँ पर आए थे भाई हमको यहाँ पर एक हैवी ड्राइवर बंदा दिख जाता है, तो उसको इजीली फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो कुछ शील्ड पर बंदे थे, और वहां पर मेरे टीममेट भी फायर ले रहा था, पर लेकिन तभी राइट से स्कारल पड़ती है, पर मैं उस बंदे को इजीली फिनिश कर देता हूं। तो यहां पर इस बंदे को तो मेरे टीममेट फिनिश कर देता है। उसके बाद यार देखो लास्ट एनिमी बचा था वो शील्ड के पीछे बैठ करके वहां पर हिल बैटल कर रहा था, और मैंने यहां पर अंधा पुश इसलिए कर दिया था क्योंकि मेरे को कन्फर्म था मैं उसको थोड़ा सा तो डैमेज दे ही दूंगा। और नोक भी हो जाऊंगा तो जोन से वो मर जाएगा इजीली। तो इस गेम के अंदर मेरा चिकन हो जाता है। सो गाइस आज की आपको ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, गाइस नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर ही देना मेरे भाइयों। और इस गेम के अंदर मेरा प्लस लगता है 26 का प्लस, और भाई वीडियो शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों को यार।